60 टाइम इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखाई, ठीक है। कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, चलो एक पार्टिकल है जिसको मैं यहाँ से डिनोट कर देता हूँ, कोई पार्टिकल है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके पास कुछ ना काइनेटिक एनर्जी है, उसको मैं ई बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है काइनेटिक ने पार्टिकल इंक्रीज 60 टाइम इस प्रीवियस वैल्यू। तो ये तो पहले केस है, कोई पार्टिकल चल रहा है उसके पास वेलोसिटी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमने दूसरे केस में क्या किया, इस पार्टिकल जो काइनेटिक, ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज कर दिए होगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी वो 16 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गया होगा, उसको मैं ई डैश बोल देता हूँ, और वो 16 टाइम्स पहले वाले। कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना चेंज होगा उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, मतलब हाउ मच परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो कितना परसेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। या चलो पहले केस के लिए, हम सब फर्स्ट केस के लिए, तो फर्स्ट केस में अगर मैं लैम्डा निकालूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू किसी पार्टिकल का मोमेंटम एम बी, और हम सबको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं एम बी को 2 टाइम्स मास ऑफ द बॉडी काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लैम्डा वन है। पहले केस में जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ई थी, वेलोसिटी भी थी, तो लैम्डा वन था, इसको मैं लैम्डा वन मान लेता हूँ। दूसरे केस में ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो वेवलेंथ चेंज होगा, तो ये लैम्डा टू हो जाएगा दूसरे केस में। तो दूसरे केस में लैम्डा टू इज इक्वल टू एच अपॉन 2 टाइम्स मास और काइनेटिक एनर्जी ई टू अंडर रूट, तो ये वाली इक्वेशन नंबर टू। अब जो ये कंडीशन बता रहा है कि जो ई टू है या ई डैश है जो भी, वो पहले वाले का 16 टाइम्स है, मतलब ये हुआ कि एच अपॉन 2m और ये जो ई टू है दैट इज 60 टाइम्स प्रीवियस वैल्यू ई अंडर रूट, मतलब 1/4 और एच अपॉन 2 टाइम्स मास और काइनेटिक एनर्जी ई अंडर रूट, तो ये यहाँ से लैम्डा टू। अब हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज ना मान लो निकालना है, तो देख लेते हैं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, चेंज हुआ है। तो यहाँ से मैं पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दूँ, तो ये लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू, लैम्डा वन की वैल्यू कितनी थी, एच अपॉन 2 टाइम्स एम ई अंडर रूट, और माइनस इसमें से कर दूँ 1/4 एच अपॉन 2 टाइम्स एम ई अंडर रूट। तो जब इसको मैं फाइनल सॉल्व करूँगा तो ये 1/h/2m ई कॉमन हो गया, और ये आ जाएगा 3, मतलब h अपॉन 2m e अंडर रूट, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/4 से, ठीक है। तो ये अब ये वाली जो फैक्टर है दैट इज ये फैक्टर, अगर ध्यान से देखोगे तो ये फैक्टर एक्चुअल में, हाँ ये फैक्टर कुछ नहीं है, वो इनिशियल लैम्डा वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन एंड ये 3/4। तो यहाँ से लैम्डा वन माइनस लैम्डा बाई टू और डिवाइडेड बाई लैम्डा वन दैट इज 3/4, तो इतना फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ 3/4। लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा फ्रैक्शनल चेंज के लिए, तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं परसेंटेज चेंज निकाल लेता हूँ, तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू दैट इज लैम्डा वन, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो ये 3/4 अगर इसमें 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 25 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 75% चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ से बी ऑप्शन मैच कर रहा है।